वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रो। मैंने इस तरह क्वेश्चन कराया नहीं, लेकिन फिर मैंने करने को दिया क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि तुम कितने क्रिएटिव हो ना, ये बहुत ज़रूरी है। जो तुम्हारी क्रिएटिविटी है ना उसका चेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो काम आएगी वो क्रिएटिविटी ही काम आएगी। अगर पेपर में दो क्वेश्चन भी ऐसे आ गए जो थोड़ा सा अलग है लीक से हट के, तो क्रिएटिविटी काम। अब देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट टू कॉस एक्स, बस इतना लिखते के साथ ही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। साइन इनवर्स है ना, अंदर साइन में इंटरेस्टेड हो गए, तो साइन एक्स कॉस पाई बाय टू कॉस एक्स एंड साइन पाई बाय टू। एक फॉर्मूला याद आएगा, आया होगा तुम्हें, अब साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद आ गया हुआ। तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर, साइन इनवर्स खत्म। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स प्लस पाई बाय फोर। और इससे आसान तो डिफरेंशिएशन कुछ हो ही नहीं सकता, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का वन और इसका जीरो, तो आंसर कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। सोचो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए, है ना। अभी इसी के जैसा ना एक काम कर लो, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, अभी कर लो जिनसे नहीं हुआ ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन रूट, ठीक है, ये ट्राई कर लो फटाफट।